स्मार्टफोन की दुनिया में जैसे ही सब ठीक नजर आता है तभी बैटरी फटने की खबरें सामने आ जाती हैं। बीते 9 सितंबर को MDTalkYT नाम के एक यूट्यूबर ने ट्वीट करके बताया था कि Redmi 6A के ब्लास्ट होने से उनकी आंटी की मौत हो गई। ये खबर अभी ठंडी हुई नहीं थी कि दूसरी दर्दनाक खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से आई, जिसमें एक 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। खबर के मुताबिक चार्जिंग के दौरान ही अचानक तेज धमाके के साथ मोबाइल फट गया और बिस्तर पर जा गिरा, जिस कारण बिस्तर में आग लग गई। आखिर ऐसा क्या होता है जो मोबाइल फोन ब्लास्ट के मामले लगातार सामने आते रहते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। जानते हैं कि स्मार्टफोन फटते क्यों हैं। ज्यादातर मामलों में मोबाइल फोन के फटने की वजह बैटरी होती है। फोन के गिरने या अन्य वजहों से कई बार बैटरी में लीकेज हो सकती है, जो बाद में फोन चार्ज करने पर आग पकड़ सकती है। बैटरी कई सारे सेल्स को जोड़कर बनती है। यही बैटरी जब पुरानी हो जाती है तो कई सेल्स के बीच की लेयर टूट जाती है और बैटरी फूल जाती है। इससे शॉर्ट सर्किट होकर बैटरी के फटने की आशंका पैदा हो जाती है। दूसरा कारण है हीट। हालांकि इसका किसी जगह के मौसम से कोई लेना देना नहीं, बल्कि किसी वजह से बैटरी का तापमान बढ़ जाने से है। उदाहरण के लिए अगर फोन बहुत देर तक कार के बोनट पर रखा है तो वो गर्म हो जाता है। कई सारे स्मार्टफोन में बकायदा इसके लिए मैसेज भी आते हैं, तापमान बढ़ गया है। बैटरी अगर ज़्यादा गर्म है तो समझ लीजिए फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मगर जो चीज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो है इसी टेम्परेचर से होने वाला थर्मल रनअवे। अब आप पूछोगे कि भाई ये क्या बला है, तो बताते हैं। क्या आपको जॉब और एक्सपीरियंस वाली साइकिल याद है? जॉब क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस क्यों नहीं है? क्योंकि जॉब नहीं है। बस इसी तरह का चक्र है, बैटरी को गर्म करने का कारण भी बन जाता है। इसमें टेम्परेचर इसलिए बढ़ता रहता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। ये तब तक होता रहता है जब तक बैटरी में आग ना लग जाए या फिर ब्लास्ट ना हो जाए। इसी को थर्मल रनअवे कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब बैटरी का कोई हिस्सा किसी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए और जल्दी ठंडा ना होने पाए। अब बात स्मार्टफोन के प्रोसेसर की। वैसे कंपनियां आजकल ऐसे इंतज़ाम करती है कि प्रोसेसर पर लोड कम पड़े, लेकिन अभी भी कई फ़ोन में ऐसा नहीं होता है। प्रोसेसर बैटरी के पास ही लगा होता है, इसलिए फ़ोन पर ज़्यादा लोड पड़ने से प्रोसेसर गर्म होकर बैटरी को भी गर्म कर देता है। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां इसलिए आजकल हाई एंड चिप पर किसी न किसी तरह का हीट सिंक लगा देती है। ये पैदा हुई गर्मी को बैटरी से दूर रखता है और फ़ोन को जल्दी ठंडा कर देता है। लेकिन जिन फ़ोन में हीट सिंक नहीं होता उनमें आग लगने की कंडीशन पैदा हो सकती है। मोटा मोटी ये कुछ कारण हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कारण सिर्फ हो क्यों सकते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन मेकर्स कभी इसके बारे में खुलकर बोलते नहीं, अंदाज़ा ही लगाना पड़ता है। अब जानते हैं कि फ़ोन को फटने से कैसे बचाएं। स्मार्टफोन को रात भर चार्जिंग पर लगाकर नहीं छोड़ना चाहिए, इस आदत से डिवाइस की बैटरी ख़राब हो सकती है। वैसे आजकल बहुत सारे स्मार्टफोन ऐसे फीचर के साथ आते हैं जो एक निश्चित पॉइंट पर चार्जिंग स्टॉप कर देते हैं, लेकिन अभी कुछ ही स्मार्टफोन में होता है, इसलिए ठीक रहेगा कि हर मोबाइल फ़ोन को रात भर चार्ज ना किया जाए। तकिया वगैरह के नीचे फ़ोन रखकर कभी मत सोइए। हमेशा अपने स्मार्टफोन के साथ आए हुए ओरिजिनल चार्जर का ही इस्तेमाल करें। अगर चार्जिंग के लिए कोई दूसरा चार्जर और केबल इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छी क्वालिटी का और संबंधित कंपनी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आउटपुट के वोल्टेज और करंट की जानकारी के बिना किसी दूसरे फ़ोन के चार्जर से दूरी ही बनाए रखें। कई लोग फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर गेम खेलते हैं और कुछ कॉल पर बात कर रहे होते हैं, ये दोनों ही खतरनाक हैं। कॉलिंग इंफ्रारेड तरंगों की मदद से होती है जो गर्म मिजाज की होती है। फ़ोन चार्जिंग पर लगाकर कॉल करने पर डबल गर्मी पैदा होती है। ऐसे ही गेम खेलने से प्रोसेसर गर्म होता है और चार्ज पर लगे होने से बैटरी भी गर्म होने लगती है। इससे थर्मल रनअवे की कंडीशन पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ़ोन में कुछ गड़बड़ी हो जाने पर फौरन ही उसको ठीक करवाइए। कई बार हार्डवेयर की दिक्कत के चलते भी फ़ोन में ब्लास्ट होने या आग लगने की नौबत आ जाती है। बैटरी अगर फूल गई है तो उसे फौरन ही बदलवा लें। बैटरी में लीकेज होने पर वो फूलती है और फिर चार्ज में लगाने पर आग पकड़ने का खतरा बढ़ जाता है।
मोबाइल फोन ब्लास्ट को लेकर जितने मुंह उतनी ही बातें जैसा हाल है। हर कोई आपको अपने हिसाब से कारण गिनाता है। स्मार्टफोन मेकर्स तो इसके लिए बाकायदा काउंटर भी देते हैं, जैसे हम तो सारे टेस्ट करते हैं, फलाना स्टैंडर्ड्स फॉलो कर लीजिए, ये कर लीजिए वगैरह वगैरह। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।